एक बड़ी खबर जो मध्य प्रदेश के बैतूल से सामने आ रही है, जहां जिले के आदिवासी अंचल भीमपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत चिल्लौर के ग्राम भवईपुर में एक प्रसूता महिला को प्रसव के बाद भीमपुर शासकीय अस्पताल ले जाने के लिए खटिया पर लाद कर 7 किलोमीटर पैदल चलकर सड़क तक लाना पड़ा। यह घटना जिले में विकास के दावों की पोल खोल रही है, जिस जिले में 5 विधायक और सांसद भाजपा के हैं, सांसद जो अब केंद्रीय राज्य मंत्री भी बन चुके हैं, जिसके बाद भी जिले में यह स्थिति बनी हुई है। बताया जा रहा है कि बैतूल जिले के भीमपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत चिल्लौर के भवईपुर ग्राम में प्रसव के दौरान सोनाए बाई नामक महिला ने 2 बच्चों को जन्म दिया। क्षेत्र में हो रही बारिश के चलते सभी रास्ते बंद हो गए, जिसके कारण गांव की महिलाओं ने मिलकर घर पर ही उसका प्रसव कराया। महिला और उसके नवजात शिशुओं को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस बुलाई गई, लेकिन गांव तक पक्की सड़क न होने के कारण एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच सकी। अनंतः ग्रामीणों ने प्रसूता महिला और बच्चों को खटिया पर लाद कर 7 किलोमीटर पैदल चलकर सड़क तक पहुंचाया, जहां से उन्हें एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई, जिन्हें एम्बुलेंस भीमपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के गई, जहां उपचार के बाद महिला और बच्चों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। यह घटना सरकार के सारे दावों को आईना दिखा रही है कि जिले में कितना विकास हुआ है। यह कोई पहली बार की घटना नहीं है जो भवईपुर गांव में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई हो। गांव में पक्की सड़क न होने के कारण पहले भी कई बार प्रसूता महिला और बच्चों को जान गंवानी पड़ी। क्या नाम है आपका? बिशन। बिशन। कहां के रहने वाले? भवईपुर। ये जो कल खटिया पे लेकर आया, क्या कारण बना इसका? इसको डिलीवरी हुआ था, वो डिलीवरी उसका खून कमजोरी था, तो उसको वहाँ से खटिया पे चिल्लौर में लाया, और उसको चिल्लौर में बुलाया, एम्बुलेंस हुआ वहाँ से लेकर आया है। एम्बुलेंस वगैरह नहीं बुलाई गांव में? गांव में वहाँ रोड नहीं है ना, 6-7 किलोमीटर जाना चलना पड़ता है, ये आना पड़ता है वहाँ चिल्लौर में। कैसा रास्ता है? मोटरसाइकिल नहीं जा सकता है यहाँ से, वहाँ पर वैसा खराब रास्ता है, चिक्कल है बहुत। नदी नाला तो पड़ जाता हमको 10-12 नदी नाला, वो भी पूरे पूर्व यहाँ एक ही नदी है, फिर उसको नकाना पड़ता है बारिश में। हाँ, क्या फिर कैसे आप लोग? बारिश में वही है, चलना पड़ता है, क्या करे, आपस आप चलना ही पड़ता है। तो इसको लेकर आप लोगों ने मांग नहीं की रोड बननी चाहिए? हाँ ना, रोड अभी तक बना नहीं ना, बचपन से नहीं बना ना रोड, अभी तक नहीं बना रोड। चुनाव के टाइम पे जनप्रतिनिधि आते होंगे वहाँ पर, कभी आप लोगों ने? नहीं, चुनाव में आ जाता है, वो रोड बना देता है, ऐसा कर देता है, वैसा कर देता है, और रोड मांग के और चले जाता है, कोई सुनवाई नहीं करता? नहीं, सुनवाई नहीं करते, दरअसल भी नहीं करते। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं आप? रोड बनना चाहिए? रोड बनना चाहिए हमको, रोड चाहिए अब, सब अवस्था वही तो है हमको, नहीं तो ये बारिश में क्या कर सकते। क्या नाम है आपका? मिचरो। कहाँ के रहने वाले? भवईपुर। ये जो महिला है, इनको क्या परेशानी थी? और जी सर, उसका डिलीवरी हुआ था, तब देख 12-1 बजे रात में रास्ता खराब है, इस वजह से सुबह उसको खटिया में लेके रोड पर निकाला है। हाँ, घर पे अब 12-1 बजे रात में कौन लेकर आएगा? रास्ता रहता तो रात में अपने एम्बुलेंस बुला लेता है। किस तरह का रास्ता है? पूरा कीचड़ है, कीचड़ रास्ता है, कहीं गाड़ी चले ना घोड़ा चले। इस वजह फिर कैसे लेकर आए? उसको डोली में लेकर आया, खटिया पे 4 मिली ढर के। उसके बाद फिर अपने कह रहे क्या उस गांव में एम्बुलेंस वगैरह कोई व्यवस्था नहीं? व्यवस्था नहीं है। बात को लेकर आप लोगों ने कभी आवाज उठाई? इसलिए तो दूर आना होगा। क्या बोलते हैं सरपंच सचिव? क्या बोलते हैं सरपंच सचिव? सुना को जिस तुम्हारा लिए रोड बना देगा, अभी से दे वोट, हम गरीब इंसान अब आप होंगे होगा, ऐसे करके दे दे, वोट मिल जाए फिर मां चोद है उनका। क्या नाम है? सुलंता डिकारे। क्या काम है? आशा कार्यकर्ता। किस गांव से? भवईपुर। ये जो एक वीडियो आया है सामने, क्या कारण बन रहा है इसका? कारण है सर, जो हमारे यहाँ रोड नहीं है, रोड का वजह से, यार ये बारिश में गाड़ी नहीं जाती एम्बुलेंस।
क्या परेशानी उस रोड पे, क्या कैसा रास्ता है? रास्ता पैदल रास्ता है, तो फुलिया भी नहीं है उसमें, उसे एक अच्छा रास्ता है। कितनी नदी कितने नाले पड़ते हैं? नदी तो सर 3-4 है सर। क्या उस पे पुल वगैरह नहीं? नहीं है। तो इस बात को लेकर कभी आप लोगों ने मांग की? मांग की सर पहले से, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। सरपंच सचिव क्या बोलते हैं? बोलते हैं बना देंगे करके, पर अभी तक बनाया नहीं है। जब चुनाव के समय में विधायक अपने, हाँ गया था विधायक, गया था बोला उसने भी, क्या बोले? बना देंगे करके, अभी तक तो चालू नहीं किया, इसलिए पेशेंट रहता है ना डिलीवरी बॉय, तो सही लेके आता है परेशानी से, बीमार वाले को भी डिलीवरी बॉय को भी। इसकी जान चली जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? फिर हो गया सर, गांव में ही खत्म हो जाएगा, तो सही रह जाएगा।